को ओवर शेडो कर दिया था। तो आप ये देखें कि केट जो है वो उस वक्त एक फॉरेन डिज़ाइनर का कपड़ा पहनी हुई थी और विलियम जो है वो हमारे ब्रांड को पहने हुए थे नौशे मियाँ को। तो आप ये देखें कि उनका ट्रेडिशनल आउटफिट जो है पूरी दुनिया ने ये बात भूली कि उसने उसको ओवर शेडो किया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक कदम उठाया गया और हरे रंग की शेरवानी उन्होंने पहनी। और मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि एक बड़ा मुश्किल के कहते हैं चीज़ होती है किसी बंदे को। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि विलियम को शेरवानी वो इस हद तक पसंद आई कि उन्होंने उसको पहनना पसंद किया और तरजीह दी अपने मलबूसात को छोड़ते हुए। ये शेरवानी तैयार करते हुए टाइम आपको कितना लगा, कितना वक्त लगा आपको? जी ये एक प्रोसेस था। पिछले 10-12 दिन से तो हमारी सिर्फ बातचीत चल रही थी। आपको मालूम है कि कोई भी जवाब इतनी जल्दी आता नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि डायरेक्ट हमारी के जो भी था सिलसिला, तो जब चीज़ें उन्होंने पहनी और उन्होंने ट्राई करना शुरू की तो हमें एक साइज़ का अंदाज़ा हुआ। तो फिर हमारे पास वक्त बहुत कम था, टाइम लाइन बहुत कम थी, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंज था क्योंकि ये मेरे ब्रांड का, इसमें मेरे ब्रांड की इज्जत का नहीं, मेरे मुल्क की इज्जत का मसला था। तो मैंने उसको जो है पूरी आपने भी अपने दिन के अंदर एक से डेढ़ दिन में पूरी एफर्ट डाली और वादे में नजर भी आया।